जी हाँ, हर साल की भांति गांव कठवाई उत्तर प्रदेश में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह छोरावली ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई गौरव उर्फ किल्ला मोरली से। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता हमारे बड़े भाई पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जरूर धर से। आइए एक और धमाका। जय श्री राधे। सभी के चरणों में शिव सिंह छोरावली की हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब। सज्जनों, ऐसा कोई खास गाने वाला नहीं जो भी गुरुओं ने सिखाया है, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के माफ करें। कोशिश करूंगा आपको दिल को लुभाने की, लेकिन बेटा गौरव कभी लिख रहा है दो लाइनों में क्या लिख दिया भैया। कवि ने लिखा, जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, गर भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सब भाव की बात हुआ करती है। आइए कमेटी का अनुरोध के 20 मिनट और बेटा गौरव एक समय आप जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं ऐसे ही मुरली वाले के चरणों को दबा रही है सतभामा। और चरण दबाते समय रुक्मणी ने कन्हैया से पूछ लिया, हे मुरली मनोहर, मैंने ये सुना है इस ब्रज क्षेत्र में सबसे पहले राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है, आपका नाम क्यों नहीं लिया जाता। कन्हैया हंस गए और कहने लगे, रुक्मणी कहना तो तुम्हारा वास्तविक सत्य है, लेकिन सुनिए राधा रानी का नाम तो मैं भी लेता हूँ। और कैसे, क्या लिखा पंडित? और घर आंगन है हर घर आंगन है हर ब्रज धाम राधा रानी को, और मुरली बारो और मुरली बारो बन गुलाम राधा रानी को। क्या बात है पंडित जी, ये वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा। एक बगल में गौरव, एक बगल में कृष्ण मिलेंगे, एक बगल में बीस रुपया खुले दे देंगे भाई, डर जाओ ने दुकान पे भैया। तुम शायद मुझे ना जानतोगे पर मैं तुम्हें जानू, आज से कम 15 साल पहले या कमरा पे भजन भाई, देखो या कमरा पे और टीवी और साइकिल और मोबाइल चलियो ही चलियो। मास्टर जी 15 साल पीछे आए हूं साहब, जब टीवी दही तुमने मेरे काज। मास्टर जी वृंदावन में जाकर देखो
पात्र है आधा आधा। एक बगल में कृष्ण मिलेंगे, एक बगल में राधा। पहले पर्यो है, क्या बात है बेटा गौरव, जवाब नहीं मैं पंडित जी आपका भी। ओ पहले पर्यो धरा पे पाम राधा रानी को, मुरली मारो कान्हा मारो मुरली पारो बलवे गुलाम राधा रानी को। आइए सज्जनों, ऐसा प्रसंग आपसे कोई विशेष नहीं जो कि आपने 10-20 बार नहीं सुना हो। केवल कवियों की कवथार गाने के ढंगला दो हुआ करते भैया। एक समय का जिक्र है, आप जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ऐसे ही दुर्योधन को राजा बना दिया जाता है। दुर्योधन राजा होते हुए स्वयं अपनी पत्नी अपनी अर्धांगिनी भानवती के महलों का पहरा दे रहा है। इसी बात पर अंग देश से राजा कर्ण मिलने के लिए आते, और जैसे ही कर्ण ने हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश किया, क्या देखा कि सारी प्रजा सोई हुई है और स्वयं अकेला एक दुर्योधन जाग रहा है, वो भी भानवती के महलों का पहरा दे रहा है। इसी बात पर अंग देश के कर्ण ने कहा, हे राजा दुर्योधन, ऐसी क्या बात हो गई, सारी प्रजा सोई हुई है और स्वयं अकेले तुम जाग रहे हो, क्या कारण है दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा, ए करण, सारी बातें बताने योग्य नहीं होती, सुनना चाहता है मैं राजा होते हुए अपनी पत्नी भानवती के महलों का पहरा किसके भैसे दे रहा हूं। हाँ तो सुन भैया क्या कहा, कि छत्रपति दुर्योधन राजा तेरा नभ में छत्र लहराया है, अरे ताप धूप तो व्यापे नहीं तेरी पंछी करते है। दुर्योधन बल्कि तो में कमी नहीं, तू कैसे हिम्मत हारो है और तेरी कह में मदद करूं, कहे लखनियों पर के हारो है, उसका नाम तो बता, तू जिसके पैसे पहरा दे रहा है। तो बेटा गौरव दुर्योधन बता रहा है कि ले सुन मेरा पहरे का कारण, कैसे भैया क्या लिखा। कैसे भैया, बाला में मोती रे और पर सवालो और पेशा मेरी ना और खाती है और महलन की और जब याद करूं तो सोच फटी जा।
राजा बासी का लड़का फूल कुमार जो रात के 12 बजे महलों के अंदर आता है, मैं उसे लड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन ताकत में ज्यादा पड़ता है, ताकत में। लेकिन सुनिए भैया, एक जवाब दे रहा है करण और दोहा में क्या कह रहा है बेटा गौरव, कैसे पंडित जी कैसे भैया? अरे ये हालत क्या आपकी, अरे दुर्योधन महाराज, और इसे देख कर और भाई मेरे कोई और छाती फाटी जाए तो भैया, छाती फाटी दुर्योधन महाराज, इसे देख कर आई मेरे कोई छाती फाटी जाए तो भैया, छाती फाटी जाए ओ, साफ कह दिया। जब इतनी बातों को सुना बेटा गौरव जवाब दे रहा है चौक में, कैसे दे रहा है भैया? हर कैसे बेटा? अरे भैया वो तो हर बात के मुंह पे कचायो, हर बात तो भूली हर पुत फूल कुमार बतायो, हर पुत फूल कुमार बतायो, छोला ये गौरव राजा बासी का लड़का फूल कुमार जो रात के 12 बजे महलों के अंदर आता है, लेकिन इसमें एक खोट भी है। क्या खोट है? अगर भानुवती चाहती तो। और बेटा लगने ढोला में क्या जवाब दिया पंडित जी कैसे भैया, क्या कह रहा है? हर तो को सोते गई को दही नारा, क्या बात
जब इतनी बात को कह दिया, लेकिन बेटा गौरव समय को नजर में रखते हुए सुनिए साहब गानों मैंने पहले ही सुन ली ताऊ जी, सुनिए गाना भी धार्मिक और मार में कैसे गौरव क्या लिखा भैया। एक समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम साथ में मां जानकी हैं और इधर में लक्ष्मण ने लक्ष्मण से कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, ए लक्ष्मण तू बड़ा भागा है, देख मैं अपना स्नान बनाने के लिए जा रहा हूं, अगर कोई जीव जंतु पीछे से आए तो तुम अपनी भाभी सीता की रक्षा करना। आह सज्जनों मर्यादा पुरुषोत्तम राम चले गए, कह रहे हैं साहब खुले हवाले ने गाने जान दो तुम गुदे दमो बैठ जाओ ने भैया क्या लिखा। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम सामने जाकर के एक वृक्ष पर तोता का रूप बनाकर बैठ जाती और लक्ष्मण से कहते लक्ष्मण तू बड़ा भागा है, तेरे साथ इतनी सुंदर स्त्री है, तू से लेकर यहां से चला जा। लक्ष्मण ने जब इतनी बात को सुना, ए तोता तूने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन लक्ष्मण नहीं समझ पा रहे कि मेरे बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरी परीक्षा कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी आप भेष में आकर के एक बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं तोता से क्या लिखा। कैसे भैया और तेरे नाए आँख नमी पानी लाला नाए आँख नमी पानी के हम राम लखन दो छैयाई सिया राम कू प्याई जो खास मेरे बड़े भैयाई मैं दो उनको सेवक हूं दो उनके पूजू भैयाई पिता बराबर प्रात लगे तो सिया हमारी शांत नहीं हुआ, समझ नहीं पाए कि मेरे बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरी परीक्षा कर रहे हैं तोता के रूप में। और बेटा वारस है सरदारी और क्या जवाब दे रहे तोता से क्या लिखा बेटा गौरव। धीरे धीरे बोल कोई सुन नहीं ले, तुम भजन सुन भी आए सही बताइयो काई को आए के तमाकू मुर्रा दे भी आए तो बताओ मैं कहा गा रहा हूं। ई सुनो ने धीरे धीरे बोल कोई सुन नहीं ले
ई सुनो पूरी रामायण बच गई नहीं पतो ना के सीता को चोर के ले गो धन्य साहब भैया। आज लक्ष्मण जी क्रोध में आके कह रहे तो था सुन मेरी बात और भैया राम सुन रहे सुनो ध्यान धरत्रो होता है पढ़े गौरते राम सुन रहे सुनो ध्यान धरा श्रोताएं श्राप दे दियो लक्ष्मण ने फिर आगे क्या 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 श्राप दे दियो लक्ष्मण ने फिर आगे क्या क्या होता है नारी लुढ़क गई नारी लुढ़क गई जीव टूट गई पेड़ ते गिर गया गौरव वाले साहब दे दंगो खोल ले तुम चिंता मत करो लाओ तुम दे रहेगा भैया बड़े गोरते राम सुन रहे सुनो ध्यान धारा श्रोताए और ये 10 रुपए का पुरस्कार भैया जी तरफ से नारे लुड़ के गई जीवा टूट गई पेड़ ते गिर गयो तोता है तोता में देखे राम लखन तोता में देखे राम लखन फिर हिलकी भर के रोता है हिलकी भर के रोता है।